वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। तालिबान ने अफगानिस्तान को आजाद किया है, ये शब्द है सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बरके के। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है और उस पर भारत में राजनीति शुरू हो गई है। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बरके ने तालिबान का समर्थन करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने देश को आजाद कराया है। अब ऐसा बयान देने पर उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो गया है। बता दें कि बरके ने अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे की तुलना भारत में ब्रिटिश राज से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का शासन था और उन्हें हटाने के लिए हमने संघर्ष किया था, ठीक उसी तरह तालिबान ने भी अपने देश को आजाद किया है। तालिबान ने रूस, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों को अपने देश में ठहरने नहीं दिया। जानकारी के मुताबिक तालिबान के समर्थन करने पर सपा सांसद डॉक्टर बर्क और सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। संभल के SP ने बताया है कि ऐसी सूचना मिली थी कि उन्होंने तालिबान के लड़ाकों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से की थी, इसलिए उनके खिलाफ IPC की धारा 153A, 124A और 295A के तहत केस दर्ज किया गया है। संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व दो अन्य व्यक्ति फैजान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए। एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजेश सिंघल द्वारा लिखित तहरीर देकर यह बताया गया कि डॉक्टर बर्क द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। ज्ञातव्य हो कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं, अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य दो व्यक्तियों द्वारा फेसबुक पर इसी प्रकार के बयान दिए गए, उनके विरुद्ध भी इसी FIR में अभियोग पंजीकृत किया गया है। BJP ने कहा था माफी मांगे। BJP ने सपा सांसद डॉक्टर बर्क से सार्वजनिक तौर से माफी मांगने को कहा था। BJP ने कहा था कि भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की तुलना तालिबानी आतंकियों से करके सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वालों का अपमान किया है, यह उनकी मानसिकता दर्शाता है और इस अपमानजनक टिप्पणी के लिए सपा सांसद को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि इनके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना सज्जाद नेमानी ने भी तालिबान सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह हिंदी मुसलमान आपको यानी तालिबान को सलाम करता है। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को, आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अजमत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। खैर, तालिबान क्या है, उसका इतिहास क्या है, ये सभी को पता है। आप ऐसे में कोई भी तालिबान का समर्थन करता है तो इस पर क्या ही कहा जा सकता है। अब इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।